सो यो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ अनलिमिटेड गेमर। तो आज का टॉपिक हमारा रेगुलर वीडियो टॉपिक से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि राइस्टर इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, मतलब इंडियन सर्वर में और अलग सर्वर में भी। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में, बहुत सारी बेसिक जानकारी से लेके एकदम एडवांस लेवल जानकारी तक। तो जैसे कि हो गया राइस्टर कहाँ पे रहते, ये सब बेसिक हो गया। राइस्टर कहाँ पे रहते, राइस्टर किस फ़ोन में खेलते, टू फिंगर प्लेयर और फोर फिंगर प्लेयर, पीसी प्लेयर है कि मोबाइल प्लेयर है, तो उन सब के बारे में भी आज बात करूँगा। और साथ ही बहुत कुछ एडवांस लेवल की बात भी करनी है आप सबसे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहे, और राइस्टर के फैन ज़रूर से मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड जो भी लोग फ्री फायर को पसंद करते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी सेवा का एक मौका दीजिए। मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ को लाता हूँ इस चैनल में, तो प्लीज़ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपने छोटे से इंट्रो के बाद। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वो एक फ़ोन प्लेयर है कि पीसी प्लेयर है, क्योंकि बहुत सारे बंदों को डाउट रहता है कि वो एक पीसी प्लेयर ही होंगे, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट कोई फ़ोन में कैसे दिखा सकता है। बट मैं आप लोग को बता दूं कि वो एक फ़ोन प्लेयर है, एंड हाल ही में उन्होंने एक टूर्नामेंट भी खेला है जिसकी क्लिप मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, मतलब जो प्रीवियस वीडियो है इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में, वही सब के बारे में बात किया गया है और उनकी टूर्नामेंट की फुल गेम प्ले मैंने दिखाया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी एक बार विजिट कर लीजिए, एंड हो सके तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड फिर हम लोग बात करते हैं कि राइस्टर कहाँ पे रहते हैं। तो राइस्टर फ़िलहाल तो इंडिया के केरला स्टेट में रहते हैं, एंड वो एक साउथ इंडियन है। तो फिर बात करते हैं कि राइस्टर मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुए। वैसे तो बहुत सारे बंदे हैं, मतलब अच्छे अच्छे गेम प्ले है, बट मैं बता दूं कि राइस्टर गेम प्ले की वजह से तो एक पॉइंट तो ये है कि गेम प्ले की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड उनका मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, उनको बहुत ज़्यादा नाम, मतलब बहुत सारी नाम मिल चुकी है कि मूवमेंट किंग हो गया, एंड द स्प्रिंटिंग डायनमो, ऐसा बहुत सारा नाम है उनका। मतलब बंदों ने ही दिया है, ऑडियंस ने उनको प्यार दिया इतना ज़्यादा, क्योंकि उनका गेम प्ले मतलब गॉड लेवल है, एकदम नेक्स्ट लेवल गेम प्ले करते हैं बंदे। लेकिन उनसे भी अच्छा अच्छा गेम प्ले करने वाले बंदे निकल जाएंगे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि वही मतलब एकमात्र है। लेकिन उन्हें और ज़्यादा प्यार ऑडियंस की तरफ से इसलिए मिला क्योंकि वो ज्ञान सुजन के साथ खेलते हैं, एंड ज्ञान सुजन के जो फैंस हैं उनको भी इनका गेम प्ले शायद बहुत अच्छा लगता होगा। एंड साथ ही में 20% रोल तो इतना हो गया कि मतलब ये तो बस 20% रोल है कि उनके मतलब जो पॉपुलैरिटी का 20% रोल इसमें है कि गेम प्ले मतलब बस 20% है, एंड बाकी के जो 80% है वो है कि वो मतलब पहले बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े थे। हालांकि उनकी कोई वहाँ पे गलती है नहीं, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ आप मतलब YouTube में जाके सर्च कर सकते हैं, राइस्टर हैकर ऐसे सर्च कर सकते हैं, आपको हज़ारों में वीडियो मिल जाएगी कि राइस्टर हैकर है, हैकर नहीं है, मतलब कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक से भरी पड़ी है यूट्यूब। और आप लोग को तो पता ही है कि फ्री फायर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कैसी है, एक टॉपिक अगर मिल गई ना तो मतलब उसे ही मतलब बना लेना है, उसे ही मतलब फुल टारगेट बना के उसमें ही चलना है। तो मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बना लिया है, तो आप लोग उस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है। इसको देखने के बाद तो आप लोग को अच्छा लगेगा, होप करता हूँ मैं। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि राइस्टर ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि राइस्टर मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पड़े थे, एंड मैं इस वीडियो में सीधा साधा बोल देना चाहता हूँ कि राइस्टर हैकर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में नहीं टू बी गेमर के आईडी से खेला है। जैसा कि आप सभी को बहुत लोगों को पता ही होगा कि फ़ोन में हैक नहीं होता, मतलब आईडी में हैक होता है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वो एक हैकर नहीं है, क्योंकि टू बी गेमर के आईडी से भी उन्होंने वही मूवमेंट स्पीड के साथ गेम प्ले किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा दीजिए, एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, एंड सेवा का एक मौका दीजिए। अगर आप लोग को चैनल बाद में पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना भाई, मेरा कोई मतलब उसमें बोलने का कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग को पसंद ना आए तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।